दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय यादव। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसके फॉर यू टेकन मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। जैसे अगर हमें से किसी ने पूछ लिया कि 60 डिग्री तापमान है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो उसको हम फारेनहाइट में कितना होगा वो बताइए, तो उसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। 60 डिग्री तापमान को फारेनहाइट में बदलना है तो फारेनहाइट का फार्मूला होता है फारेनहाइट बराबर होता है सेंटीग्रेड का मान गुणे 9/5 प्लस 32। अगर हमें निकालना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, तापमान को फारेनहाइट में बताओ क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमको फार्मूला पता है, सेंटीग्रेड का मान गुणे 9/5 प्लस 32, तो हमें हम लोग लिख लेंगे अंश फारेनहाइट बराबर सेंटीग्रेड 60 है, 60 गुणे 9/5 प्लस 32 बराबर, इसको काट लेंगे 5 × 5 12 × 5 60 बराबर हो जाएगा 12 × 9 प्लस 32 बराबर 12 × 9 108 प्लस 32 बराबर हो जाएगा कितना, 8 × 2 = 10 30 × 10 = 3 = 4 140 अंश फारेनहाइट। दोस्तों ये हमारा आंसर आएगा, यानी 60 डिग्री तापमान अगर सेंटीग्रेड में है तो फारेनहाइट में 140 डिग्री फारेनहाइट होगा। दोस्तों अभी हमने सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट में निकाला, अब हम फारेनहाइट का मान सेंटीग्रेड में निकालेंगे। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया 140 डिग्री फारेनहाइट का तापमान है, तापमान है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। दोस्तों इसका फार्मूला होता है अंश सेंटीग्रेड बराबर अंश फारेनहाइट का मान माइनस 32 गुणे 5/9। वहाँ पे 9/5 था और जब हम सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। अभी हमें मान मालूम है उसका सेंटीग्रेड का, फारेनहाइट का कितना है, 140 माइनस 32 ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट बंद होगा, गुणे 5/9। अभी इसको हम 140 में से 32 निकाल देंगे तो हो जाएगा 108
गुणे 5/9, 9 × 9 12 × 9 108 12। अभी हमें मिल गया 12 × 5 बराबर 12×5 = 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 140 फारेनहाइट तापमान है, तो हमें हम उसको सेंटीग्रेड में अगर बताना चाहें तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड बता सकते हैं। दोस्तों छोटा छोटा फार्मूला है लेकिन बहुत काम का है। अगर हम रेफ्रिजरेशन फील्ड में हैं तो हमसे कोई भी पूछ सकता है और ये जानना ज़रूरी भी है। तो आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।